हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ KYC एंड कस्टमर सर्विसेज। इस मॉड्यूल जो मॉड्यूल डी है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, ये मॉड्यूल डी के इस पेपर से सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि KYC का फुल फॉर्म, जैसे हम लोग जानते हैं नो योर कस्टमर, तो KYC में सी का मतलब क्या होता है? कस्टमर दे देगा, कंज्यूमर दे देगा, कॉस्ट दे देगा। तो दूसरा क्वेश्चन होता है कि जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए RBI की गाइडलाइन है, उसे बैंक्स कैसे इस्टेब्लिश करती है? तो यह गाइडलाइन बैंकों की उसके पॉलिसीज, प्रोसीजर और कंट्रोल को इस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज और रिपोर्ट किया जा सके। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कोई कस्टमर KYC का कंप्लायंस नहीं करता है तो क्या बैंक उसके अकाउंट को क्लोज कर सकती है? तो हाँ, बिल्कुल कर सकती है। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ KYC गाइडलाइंस, बैंक्स में डिसाइड टू क्लोज द अकाउंट ऑफ द पर्टिकुलर कस्टमर आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस टू द कस्टमर। नोटिस देने के बाद उसको अगर KYC कंप्लायंस नहीं है तो क्लोज कर सकती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सो हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये मेंशन है कि मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व एक्टिविटीज़ बाय विच प्रोसीड्स ऑफ इलीगल एक्ट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोसीड्स फ्रॉम लीगल एक्ट। मतलब इलीगल एक्ट को लीगल एक्ट में कन्वर्ट करने के तरीके को ही मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का सिंपल मीनिंग ब्लैक मनी को वाइट मनी करना होता है, वाइट मनी में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ इलीगल एक्ट का मतलब जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग से कमाए गए पैसे, या करप्शन या फ्रॉड से कमाए गए पैसे, या टेररिस्ट एक्टिविटी से कमाए गए पैसे, जैसे कि उन सबको लॉन्डर करके लीगल एक्ट में कन्वर्ट करना ही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। तो ये सब के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मोस्टली बैंक यूज होता है। तो बैंक एक ऐसा चैनल है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। सो बैंक्स कुछ प्रिकॉशंस एक्सरसाइज करती है जिससे बैंक्स इन सब एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर सके और उसे रोक सके। सो बैंक जो है प्रिकॉशंस एक्सरसाइज करती है इन सबको रोकने के लिए। और यहाँ पे RBI के भी कुछ गाइडलाइंस हैं मनी लॉन्ड्रिंग को रोकथाम के लिए। RBI ने कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइन फ्रेम किए हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके और बैंकों को इंटेंशनली और अनइंटेंशनली क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से बचाया जा सके। ठीक है, तो RBI अपने मास्टर सर्कुलर में इस गाइडलाइन को टाइम टू टाइम अपडेट और रिवाइज भी करता है, और इस गाइडलाइन को हम KYC गाइडलाइन के नाम से जानते हैं। KYC गाइडलाइन के नाम से हम लोग इस गाइडलाइन को जानते हैं, जिससे बैंक्स अपने कस्टमर को फाइनेंशियली समझता है और रिस्क को प्रूडेंशियली मैनेज कर सकता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे KYC नॉर्म्स क्या होता है। KYC नो योर कस्टमर नॉर्म्स, नो योर कस्टमर, यहाँ से एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि RBI सारे बैंकों को KYC नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने का इंस्ट्रक्शन इशू करती है। अगर कोई बैंक उसे इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो उसे पेनाल्टी भी भरनी पड़ती है, और इस पेनाल्टी को नोट्स ऑफ अकाउंट, नोट टू अकाउंट में डिस्क्लोज़ करना पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नोट्स टू अकाउंट में इसको डिस्क्लोज़ करना पड़ता है। जो भी पेनाल्टी, बहुत बार न्यूज़ में आपको सुनने को मिलता है कि कुछ प्राइवेट बैंक है जिन्होंने, कोई भी बैंक हो सकता है, जिन्होंने KYC कंप्लायंस नहीं किया और उनको एक ह्यूज पेनाल्टी भरना पड़ा RBI को। सो RBI वो पेनल्टी लेवी करती है, और जो भी पेनल्टी वो भरते हैं उनको नोट्स टू अकाउंट करके डिस्क्लोज़ करना होता है। ठीक है, तो उसके बाद है कि कुछ सर्टेन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर है जो अकाउंट ओपनिंग के टाइम में और ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करते वक्त ध्यान में रखना पड़ता है, जिसे कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी कहते हैं और कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर कहते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, इसका मतलब ये है कि अपने ऑपरेटिंग स्टाफ को ये एडवाइस करता है कि आप अकाउंट ओपनिंग के टाइम में कस्टमर के प्रॉपर आइडेंटिटी और उसके स्टैंडिंग और रेसिडेंशियल एड्रेस को बराबर है क्या, उस पर आप सेटिस्फाई होने चाहिए, तो ही आप एक्सेप्ट करिए। और ये कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर क्या कहता है, ये प्रोसीजर अकाउंट ओपनिंग के टाइम में
प्रॉपर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एक्सेप्टेबल एड्रेस प्रूफ कस्टमर से लेना ही आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर कहलाता है। ये दोनों में कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार और बता देती हूँ कि आइडेंटिफिकेशन का मतलब, अब देखिए आइडेंटिफाई मतलब कि आप, ज़रूरी नहीं है जो वॉकिंग कस्टमर हैं वो आपके पास आ जाते हैं, या बैंक के कुछ ऐसे स्टाफ है जो बाहर भी जाके अकाउंट सोर्स करते हैं, अदरवाइज कुछ जो आउटसोर्स स्टाफ होते हैं जो जाएंगे और अकाउंट सोर्स करके लाएंगे, वहाँ पे वो उनके आइडेंटिटी और एड्रेस को तो चेक कर लेंगे और वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, लेकिन जब आपके पास जब आएगा, जो भी ऑफिसर उस पर साइन करेगा और उसको वेरीफाई करेगा, तो उसको ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि ये आइडेंटिटी और ये एड्रेस प्रूफ प्रॉपर है, तो वो एक्सेप्ट करना हो गया, मतलब आप उसको प्रॉपर जान के एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक एग्जांपल से समझिए कि एक प्रोप्राइटरशिप अकाउंट ओपन करने के लिए एक कस्टमर आपके पास आता है और आपने उससे बोला कि आप आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और दो एंटिटी प्रूफ दीजिए और आपका फ़ोटो दीजिए, तो उसने पैन कार्ड दिया, आधार कार्ड दिया, गुमास्ता दिया, गुमास्ता जो सॉप एंड एक्ट लाइसेंस जो बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और चौथा उसने आपको GST सर्टिफिकेट दिया। तो आपने देखा कि आधार पे अलग एड्रेस है, गुमास्ता पे अलग एड्रेस है, GST सर्टिफिकेट पे अलग एड्रेस है, तो आपने उसको बोला कि ये तीनों पे अलग अलग एड्रेस है, तो मुझे तो इसको, ठीक है आइडेंटिटी आपकी सही है लेकिन एक्सेप्ट करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि तीनों में मुझे अलग दिख रहा है एड्रेसेस। तो फिर चौथा क्या बोलता है कस्टमर कि मैं तो रेंट पे रहता हूँ और मेरे रेंट एग्रीमेंट में अलग एड्रेस है, तो आप क्या एक्सेप्ट करेंगे उसको? तो मतलब जेन्युइनिटी को चेक करना आपके ऊपर है कि आप अगर उसके एड्रेस को जाके वेरीफाई करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर वो एक्सेप्टेंस पॉलिसी में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आइडेंटिटी, अभी आइडेंटिटी को यहाँ पे RBI हर वक्त टाइम टू टाइम ये रिवाइज करती है कि कस्टमर का मतलब टाइम टू टाइम चेंज होता है आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह। जैसे देखिए पहले सर्विस टैक्स होता था, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस होते थे, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स एक्सेट्रा, लेकिन सारे टैक्सों को मर्ज करके गवर्नमेंट ने GST ला दिया, तो अब हमें वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा बल्कि GST सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जब भी टाइम टू टाइम चेंजेस होता है RBI अपने वेबसाइट पे उसका एक सर्कुलर रिवाइज करके डाल देती है, वही देख के आपको आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पे एक और बात मेंशन है कि RBI ने आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए, बोथ पर्पस के लिए पासपोर्ट को मान्य किया है। एग्जाम्पल जैसे पासपोर्ट है तो उसमें देखिए आइडेंटिटी का मतलब कि उस पर्सन का फ़ोटो सिग्नेचर आपने देख लिया, एड्रेस का मतलब एड्रेस, तो ये तीनों चीज़ें जिस डॉक्यूमेंट पे आपको मिलता है तो एक ही डॉक्यूमेंट से आपके सारी चीज़ें सर्व हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि लिस्ट ऑफ कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, क्या क्या लिस्ट लिया जा सकता है अकाउंट ओपनिंग के टाइम में, ये आपको खुद देखना है। अगर मैं ये पूरा बताऊँगी तो समय इसमें बहुत चला जाएगा, तो यहाँ लिस्ट दिया है, सिर्फ हमें जान लेना है। मैं थोड़ा बहुत इसमें बता देती हूँ कि आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए हमें क्या क्या लेना है। यहाँ पे दिया है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड, या नरेगा से इशू जॉब कार्ड है तो वो भी चलेगा, या वो ड्यूली साइन बाई ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है, या लेटर इशूड बाई आधार अथॉरिटी से लेटर इशू किया है जिस पे नेम, एड्रेस एंड आधार नंबर मेंशन है, तो वो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आ जाता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस इसी में से आ गया, बाकी सारे डॉक्यूमेंट पे आपका एड्रेस लिखा होता है, सिर्फ पैन पे नहीं लिखा होता है, तो जब भी आप पैन एक्सेप्ट करेंगे तो उसके साथ एक एड्रेस प्रूफ लेना आपको ज़रूरी है। देन अगर कंपनीज़ का करते हैं तो कंपनी में देखिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लेते हैं, MOA ले लेते हैं, AOA हो जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो जाता है, उसका बोर्ड रेजोल्यूशन लेते हैं, और कंपनी का पैन कार्ड लेते हैं, कंपनी का यूटिलिटी बिल या GST सर्टिफिकेट है, तो ये सारी चीज़ें लेते हैं। और उसके अलावा अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो लेटर ऑफ कमेंसमेंट लेते हैं हम लोग कि आपने बिजनेस रजिस्टर्ड तो कर दिया लेकिन बिजनेस का शुरुआत कब किया, कमेंसमेंट अपना काम कब चालू किया, तो उसका लेटर लेते हैं। फिर पार्टनरशिप के केस में आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर रजिस्टर्ड है तो, और नहीं तो
नहीं रजिस्टर्ड है तो कोई ज़रूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की। फिर पार्टनरशिप डीड लेंगे या सारे पार्टनर के KYC लेंगे। अगर वो किसी को ग्रांट कर रहे हैं तो उसका पावर ऑफ अटॉर्नी लेंगे पार्टनर से साइन करवा के। फिर फाउंडेशन का केस हुआ तो आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सोसाइटी है तो बाईलॉज की कॉपी, ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड, इस तरीके से रिजोल्यूशन लेंगे और यूटिलिटी बिल लेंगे। अभी देखिए प्रोप्राइटरशिप के केस में, प्रोप्राइटरशिप के केस में आप यहाँ पे देखिए सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, प्रोफेशनल सब, क्योंकि ये पुराना डेटा है ना तो इसलिए मेंशन है। अब ये सबको हटा के यहाँ पे GST आपको आ जाएगा कि GST सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है। तो प्रोप्राइटर के केस में एक तो आइडेंटिटी प्रूफ, एक तो एड्रेस प्रूफ और दो इंटिटी प्रूफ, मतलब कंपनी के नाम से दो प्रूफ लेना और फोटो लेना ज़रूरी होता है। सारे केसेस में फ़ोटो लेना तो ज़रूरी है। तो ये कस्टमर की आइडेंटिटी हो गई। उसके बाद हम देख लेते हैं कि मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है कि RBI ने बैंकों को रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए की इंडिकेटर सेट करने के लिए कहा है। जैसे कि अगर किसी अकाउंट में हाई टर्नओवर ट्रांजेक्शन होते हैं या फिर फ्रीक्वेंटली बहुत सारे कैश ट्रांजेक्शन होते हैं या अचानक कोई कंपनी बहुत सारे चेकबुक के लिए अप्लाई करती है। यहाँ पे आप देखेंगे सब मेंशन है कि कैश ट्रांजेक्शन होता है या अचानक से चेकबुक के लिए अप्लाई करता है, हाई रिस्क अकाउंट हो जाता है, तो उस केस में ऐसे अकाउंट पर नज़र रखना ज़रूरी है। अगर बैंकों को लगता है कि ये सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स है तो बैंक उसे तुरंत RBI को और FIU IND को, यहाँ पे देखिए बैंक शुड इमीडिएटली रिपोर्ट टू रिजर्व बैंक एंड FIU IND। FIU का मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट होता है, उसको रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए RBI की गाइडलाइन बैंक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को KYC प्रोग्राम को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए कहती है। ये रिस्क मैनेजमेंट जो है यहाँ पे RBI का गाइडलाइन है। RBI गाइडलाइन ऑल्सो रिक्वायर दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बैंक पुट इन प्लेस एन इफेक्टिव KYC प्रोग्राम बाय एस्टेब्लिशिंग अप्रोप्रिएट प्रोसीजर। सो इसमें कि जैसे कि बैंकों में कंकरेंट ऑडिटर होता है या चेक करना चाहिए कि KYC प्रॉपर टाइम पे लिया गया है या नहीं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर लिया गया है या नहीं, या फिर कुछ लैप्सेस है तो उसे कमेंट करें ताकि उसे सुधार किया जा सके। और ऐसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी से नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या UPI सर्विसेज के जरिए बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी को बदल के पैसे को अकाउंट से ट्रांसफ़र करा लिया जाता है। तो आप देखते हैं ना कि बहुत सारे मेल आते हैं ऐसे टाइप के कि SBI का रिक्रूटमेंट है, आप इस पे पेमेंट करिए, फिलअप करिए। तो मतलब आइडेंटिटी बदल के थर्ड पार्टी जो है वो उसे ट्रांजेक्शन करवा लेता है, और ऐसे थर्ड पार्टी को हम लोग मनी म्यूल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन टू बी प्रिजर्व, मेंटेनेंस ऑफ प्रिजर्व, मतलब यहाँ पे ये क्या मेंशन है कि बैंक को कुछ ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड जो है वो अलग रखने पड़ते हैं। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जैसे सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, अगर लग रहा है कि इस ट्रांजेक्शन का नेचर सस्पिशियस है तो उसके रिकॉर्ड अलग से रखने होते हैं। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे दिया है कि सारे 10 लाख से ऊपर के कैश ट्रांजेक्शन और इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी, अगर 10 लाख से ऊपर के कैश ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो वो सस्पिशियस नेचर से देखा जाएगा। सेकेंड है कि ऐसे कैश ट्रांजेक्शन जो छोटे छोटे अमाउंट में हुआ है विद इन अ मंथ बट एक दूसरे से रिलेटेड लग रहा है और उसका एग्रीगेट वैल्यू जो है, एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख से ऊपर की है, वो इक्विवेलेंट टू फॉरेन अमाउंट भी हो सकता है, तो फिर वैसे ट्रांजेक्शंस को ट्रैक करके रखना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है सीकिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अंडर KYC। KYC में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है क्या? बैंक बहुत अगर बैंक चाहे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन कस्टमर से लेना तो वो ले सकती है क्या? तो RBI ने साफ साफ बैंकों को ये एडवाइस किया है कि अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर या पीरियोडिक KYC के टाइम पर कस्टमर सिर्फ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन के लिए ऑब्लाइज्ड है, बल्कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने से मना कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको देखने को मिल जाएगा कि नेम ऑफ द सन एंड डॉटर, लाइफस्टाइल, नंबर ऑफ फॉरेन विजिट लास्ट 3 ईयर्स, या डेली डिटेल ऑफ फैमिली मेम्बर, या एनिवर्सरी वेडिंग डेट हो गया, या डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्पाउस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। देखिए ये सब इन्फॉर्मेशन मोस्टली बैंक क्यों लेती है?
ताकि क्रॉस सेलिंग कर सके। मतलब कि अगर उसका बर्थडे है तो बर्थडे के दिन ग्रीटिंग्स भेजे, अपना क्या उसके स्पाउस का बर्थडे के दिन भी उसको विश करे, तो मतलब इस टाइप से कस्टमर को प्लीज़ करके और उससे इन्वेस्टमेंट वगैरह ले सके। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया। और RBI ने बोला है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन कस्टमर देने से मना भी कर सकता है, और आप उसे मतलब ज़बरदस्ती कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिया है कि और कस्टमर को KYC में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना है वह जानने का भी अधिकार है उसको, ताकि वह यह जान सके कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो बैंक मांग रहा है वो प्रोवाइड करना मेरे लिए ऑप्शनल है। और बैंकों को यह ध्यान में रखना है कि क्रॉस सेलिंग या किसी भी अन्य पर्पज़ के लिए कस्टमर का इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि क्रॉस सेलिंग करना है तो वो डाइवर्स कर दिया उसका इन्फॉर्मेशन, तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज या बाकी कहीं और जगह यूज नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। उसके बाद आता है नॉर्म्स फॉर पीरियोडिक अपडेशन ऑफ KYC। इसके नॉर्म्स क्या हैं? पीरियोडिक अपडेशन में आप जानते हैं कि पहले क्या था ना कि हर एक लो और मीडियम कैटेगरी के लोगों को 5 साल में करना होता है और हाई कैटेगरी को 2 साल में करना पड़ता था। बट लो कस्टमर फिर इरिटेट हो जाते थे कि मुझे इतनी जल्दी मेरे डॉक्यूमेंट तो मैं चेंज करता रहूँ नहीं हूँ, तो मुझे देने की क्या ज़रूरत है। तो बाद में RBI ने क्या किया कि हाई रिस्क को 2 साल पे और मीडियम रिस्क को 8 साल पे और 8 ईयर्स पे और अपना 10 ईयर्स पे लो रिस्क वाले कस्टमर को डिफ़ाइन कर दिया कि अगर हाई रिस्क है तो 2 साल पे देना है, लो रिस्क है तो 10 साल और मीडियम रिस्क है तो 8 साल पे KYC डॉक्यूमेंट, पीरियोडिक KYC जो होता है वो देना हो। और फिर फ्रेश फोटोग्राफ विल बी रिक्वायर्ड टू बी ऑप्टेड फ्रॉम माइनर कस्टमर ऑन बिकमिंग मेजर। अगर कोई मेजर हो रहा है तो उसे फ्रेश फोटो भी लेना ज़रूरी है। उसके बाद रिसेंट सिंप्लीफाइड KYC मेजर बाई RBI। RBI ने कुछ रिसेंट सिंप्लीफिकेशन किया है कि KYC नॉर्म्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बल्कि उसको आसान कैसे बनाया जा सके, उसके लिए कुछ यहाँ पे दिया है। तो उसमें ये बोला है कि ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट जो है OVD, जिसे मैंने बोला कि वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, तो एग्ज़ाम के वक्त एक बार RBI का वेबसाइट भी चेक कर लेना है कि कुछ चेंजेस हुआ है क्या। अदरवाइज बैंक में प्रैक्टिस तो है, हमें मालूम ही है कि बैंक में जो प्रैक्टिस फॉलो किया जा रहा है, तो अपने बैंक का भी आप अगर आपको जानकारी है तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यह इसमें ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट KYC में क्या आता है? पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, यही सारी चीज़ें आती हैं जो ऑलरेडी हमने देखा है। फिर अगर eKYC है, अगर बैंकों ने डायरेक्ट eKYC अगर उसके पास होता है ना थंब वाला कि अपना ऑथेंटिकेशन कर ले, तो कस्टमर का फ़ोटो, सिग्नेचर, एड्रेस, एज, जेंडर सारी चीज़ें आ जाती है। तो कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लिया, थंब इम्प्रेशन से KYC कर लिया तो वो सबसे बेहतर ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है। फिर नो सेपरेट प्रूफ ऑफ एड्रेस इज रिक्वायर्ड फॉर करेंट एड्रेस। देखिए ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि अगर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे माइग्रेंट होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं एम्प्लॉई और उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो फिर इस केस में वो डॉक्यूमेंट कहाँ से, मतलब जहाँ पे वो जाएंगे वहाँ पे एड्रेस चेंज करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो सिंपल एक प्रूफ ऑफ सिंपल डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि वो करंट एड्रेस पे रह रहे हैं। अदरवाइज प्रूफ ऑफ एड्रेस में या तो वो करंट या तो परमानेंट, दोनों में से कोई एक एड्रेस वो दे सकते हैं कि यही एड्रेस मेरा आप रखो KYC के लिए या अकाउंट ओपनिंग के लिए। फिर उसके बाद नो सेपरेट KYC डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड व्हाइल ट्रांसफरिंग अकाउंट फ्रॉम वन ब्रांच टू, एक ही ब्रांच से दूसरे ब्रांच में आप अगर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और अपने जॉब लोकेशन पे दूसरे जगह आप अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं ताकि आप सर्विसेज अच्छे से ले सकें, तो उस केस में आपको दोबारा KYC देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने KYC किया है तो, अगर नहीं किया है तो फ्रेश KYC प्रोवाइड करिए। अगर KYC आपने किया है और उसकी वैलिडिटी है तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। फिर स्मॉल अकाउंट का केस देख लेते हैं। स्मॉल अकाउंट पे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसमें क्या दिया है? स्मॉल अकाउंट में ऐसे पर्सन जिनके पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है और वो भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसे स्मॉल अकाउंट कहा जाता है। मतलब उनके पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया ही नहीं है, तो वो स्मॉल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उनका स्मॉल अकाउंट ओपन किया जा सकता है।
जिसे वो ऐसा अकाउंट होता है जिसको ओपन करने के लिए सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ एंड बैंक ऑफिशियल के सामने में प्रेजेंस में थंब या सिग्नेचर करके अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। सो, ये अकाउंट तो ओपन हो जाता है, बट इसके कुछ लिमिटेशन होते हैं। जैसे कि इसका लिमिटेशन क्या होता है कि टोटल क्रेडिट जो है, टोटल क्रेडिट अकाउंट में 1 साल में 1 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये होता है। दूसरा ये होता है कि 1 मंथ में 10,000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता है वो। थर्ड ये होता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में 50,000 से ज़्यादा बैलेंस नहीं हो सकता है उसके अकाउंट में। और फोर्थ ये होता है कि नॉर्मली यह अकाउंट 1 साल के लिए वैलिड होता है, और अगर वो कस्टमर ये प्रोड्यूस करता है कि ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के लिए मैंने अप्लाई किया है, तो 1 साल और आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये 4 लिमिटेशन के साथ ये स्मॉल अकाउंट ओपन किए जाते हैं। उसके बाद है रिलैक्सेशन रिगार्डिंग ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। तो क्या रिलैक्सेशन ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट के लिए दिया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पे दिया है। अगर कोई कस्टमर के पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है और वो लो रिस्क का कस्टमर है, तो वो अकाउंट ओपन कर सकता है। पहला ये है कि आइडेंटिटी कार्ड विथ एप्लीकेंट फोटोग्राफ इशूड बाई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, इनके थ्रू अगर उसका एक आइडेंटिटी कार्ड फ़ोटो लगा के इशू किया गया है तो ओपन कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि लेटर इशूड बाई गैजेट ऑफिसर ड्यूली अटेस्टेड फोटोग्राफ, अगर वो पर्सन का एक लेटर दिया गया है गैजेट ऑफिसर ने अटेस्ट करके, तो उसके ऊपर भी वो ओपन कर सकता है। नेक्स्ट है पीरियोडिक अपडेशन ऑफ KYC। हमने ऑलरेडी देखा है कि 10, 8 और 2 साल मीडियम रिस्क एंड हाई मीडियम एंड लो रिस्क के कस्टमर का होता है। फिर अदर रिलैक्सेशन में क्या होता है, देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप हम जानते हैं कि सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के सारे मेंबर का KYC लेना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ऐसे मेंबर जो ऑफिस में काम करते हैं, जो ऑफिस अटेंड करते हैं, उनका KYC फ़ोटो लेना ज़रूरी होता है, और नो सेपरेट KYC इज़ रिक्वायर्ड फॉर द अदर मेंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इसमें है कि फॉरेन स्टूडेंट अगर कोई है तो उसको हम लोग 1 मंथ के लिए प्रूफ, उसका लोकल एड्रेस प्रूफ फर्निश करने के लिए उसको टाइम दे सकते हैं और ओपन कर सकते हैं अकाउंट। थर्ड है कि इनकेस ऑफ कस्टमर कर लो रिस्क का कस्टमर है, तो दे कैन सबमिट द जेन्युइन रीज़न। अगर देखिए कोई लो रिस्क का कस्टमर है और वो KYC करने के लिए उसके पास कुछ जेन्युइन रीज़न देता है, तो हम लोग 6 मंथ के पीरियड से उसका डेट एक्सटेंड कर सकते हैं कि ठीक है 6 महीने के बाद आप डॉक्यूमेंट दे देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि RBI गाइडलाइन और आधार कार्ड फॉर KYC पर्पस। KYC पर्पस के लिए RBI टाइम टू टाइम आधार के लिए भी गाइडलाइन दिया है। तो उसमें क्या है कि अगर वही सारी चीज़ें दी है कि अगर ई वेरिफिकेशन करता है कस्टमर, ई वेरिफिकेशन करता है तो फिर आप उसको वैलिड डॉक्यूमेंट मानेंगे। और यहाँ पे एक मेंशन दिया है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, जो अपना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल 2005 है, इसके अंतर्गत भी eKYC आधार को eKYC के रूप में मान्य किया गया है। फिर यहाँ पे देखिए ऑपरेशनल प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय बैंक फॉर eKYC। eKYC के लिए क्या क्या ऑपरेशनल प्रोसीजर है, क्या फॉलो करती है, उसके बारे में मेंशन है। तो वही ऑथेंटिकेशन करके और ये सब पूरा आधार के बारे में ही यहाँ पे मेंशन है, तो एक बार इसको गो थ्रू करिए, इसमें ज़्यादा कुछ जानने वाला नहीं है। उसके बाद हम लोग कस्टमर सर्विस देखते हैं। अभी देखिए यहाँ से ना हम लोग जितना अभी हमने किया उस पर क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, और कस्टमर सर्विस का एक मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर एक दूसरा वीडियो में मैं वो बता दूंगी। सो, चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि RBI हैज़ लेड डाउन सर्टेन गाइडलाइन टू प्रिवेंट बैंक फ्रॉम बीइंग यूज। तो हमने देखा था कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली या इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। तो अनइंटेंशनली जो हमने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में देखा था कि RBI हैज़ लेट डाउन सर्टेन गाइडलाइन टू प्रिवेंट बैंक फ्रॉम बीइंग यूज इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट है कि KYC गाइडलाइंस कंटेन डिटेल रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट या ऑल। तो ऑल हो जाएगा। KYC गाइडलाइन जो है वो बैंक्स को KYC गाइडलाइंस कंटेन डिटेल रिक्वायरमेंट फॉर बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये सारे रिस्पेक्ट में KYC गाइडलाइन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी अंडर KYC नॉर्म्स इज।
कि एक्सेप्टेंस पॉलिसी में, एक्सेप्टेंस और आइडेंटिफिकेशन में आपको फ़र्क पता है ना, कि आइडेंटिफिकेशन मतलब डॉक्यूमेंट आपने देख लिया, आइडेंटिफाई किया, एक्सेप्टेंस मतलब उसकी जेन्युइनिटी को चेक किया आपने, तो आप सेटिस्फाई हैं, तो वो देखना कि ए ऑफिसर मस्ट बी सर्टिफाई अबाउट द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, ऑफिसर मस्ट बी सर्टिफाई अबाउट द स्टैंडिंग एंड रेसिडुअल एड्रेस ऑफ द कस्टमर। दोनों चीज़ें, उसकी आइडेंटिटी और उसकी एड्रेस, आप दोनों से एक्सेप्ट हैं, आप सर्टिस्फाइड हैं, तो आप उसको एक्सेप्टेंस पॉलिसी कहते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ FIUIND, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आप देखिए कि इतना क्लोज ऑप्शन होते हैं कि आप एक बार बराबर से उसको देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट हो गया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड पार्टी हु यूज टू लॉन्डर द प्रोसीड्स ऑफ फ्रॉड स्कीम, एग्जाम्पल फिशिंग एंड आइडेंटिटी थेफ्ट बाई क्रिमिनल्स हु गेन इलीगल एक्सेस टू डिपॉजिट अकाउंट आर कॉल्ड। ऐसे थर्ड पार्टी जो मतलब ऐसे पर्सन जो थर्ड पार्टी बोल के और पैसे को अकाउंट से ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, तो उसको मनी म्यूल्स कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द कस्टमर एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम द एड्रेस मेंशन ऑन द प्रूफ ऑफ एड्रेस, देन उस केस में कस्टमर क्या कर सकता है। उसका एड्रेस प्रूफ पे, सपोज आधार कार्ड आपके पास लेके आया वो अलग है और उसने फॉर्म में कोई एड्रेस अलग लिखा है, तो वो ट्रांसफ़र होके आया अभी करेंट एड्रेस पे रहता है और उसको करेंट एड्रेस ही चाहिए, तो उस केस में आप क्या करेंगे। उस केस में कस्टमर शुड मॉडिफाई द प्रूफ ऑफ एड्रेस, क्या वो मॉडिफाई करवा के एड्रेस पे दे। दूसरा है कि सिंपल डिक्लेरेशन दे दे कि मैं इस एड्रेस पे रहता हूँ, तो यही सफिशियंट होता है, अभी हमने देखा था। या कस्टमर शुड प्रोड्यूस वैलिड एड्रेस प्रूफ करेंट एड्रेस, अभी वो ट्रांसफ़र होके आया है, उसके पास कुछ प्रूफ नहीं है, तो वह कहाँ से वैलिड प्रूफ आपको देगा। तो इसलिए सिंपल डिक्लेरेशन अगर दे देता है कस्टमर साइन करके, तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं, RBI की गाइडलाइन ये कहती है। देन नेक्स्ट है कि द टाइम इंटरवल फॉर पीरियोडिक अपडेशन ऑफ KYC इज लो रिस्क और मीडियम रिस्क के लिए 5 ईयर्स, ये पहले था तो ये नहीं है। लो रिस्क के लिए 10 साल, मीडियम रिस्क के लिए 8 साल, हाई रिस्क के लिए 2 साल, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर ये BC एंड D, ये तीनों हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसका पार्ट 2 जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।